कांग्रेस विधायक वीर सिंह भुरिया का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वह भाजपा प्रत्याशी को चोर और डाकू तक कह रहे हैं। कांग्रेस विधायक यहां अपोजिशन वालों के हाथ काटने तक की धमकी दे रहे हैं। रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में वोट मांगने आए थानला के विधायक वीर सिंह भूरिया के विवादित बोल सामने आए। वो कुछ विरोधियों के हाथ काटने के लिए लोगों को उकसाते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में भाजपा प्रत्याशी को लेकर भी हल्की टिप्पणियां की और उन्हें चोर और डाकू तक ठहरा दिया। लोकसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग है, वो कहाँ के लोग है? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? और अपने लोग को उनको पहचानता है? और भुरिया साहब को थानला के MLA रहे, फिर चार बार और पांच बार लोकसभा के मेंबर रहे, अपन लोगों ने जिताया, भारत सरकार में मंत्री रहे, फिर गभुआ में उपचुनाव हुआ था तब भी वहाँ के विधायक रहे, और आज हमारे सब एक एक जन जन माने एक एक कार्यकर्ता जानता है कि कांतिलाल भुरिया। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग लोगों को ठगने के लिए, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए उनकी कोई कमी नहीं है। ये मेरा सब भाइयों को से अनुरोध है, और बाकी आप बड़ी ताकत के साथ वोट दिलाएंगे। और किसी गांव में किसी को डराया तो हम लोगों को आधी रात को दिन को खबर करो, हम 500 आदमी खड़े हो जाएंगे वहाँ पे आके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।